नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। आज शाम आईपीएल में बेहतरीन मुकाबला खेला जाना है, जहां पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला पंजाब के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। पंजाब किंग्स टीम की बात करें तो टीम के साथ कुछ मुश्किलें चलती आ रही हैं। सबसे पहली जो मुश्किल है उनके लिए वो उनका ओपनिंग पार्टनरशिप है। जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन लगातार फेल हो रहे हैं। शिखर धवन के बल्ले से रन निकल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट एक बड़ा मसला है, जो कि इस पूरे आईपीएल में हमें कई सारे ओपनर्स की तरफ से देखने को मिला है। धीमी शुरुआत, आपके निचले क्रम के बल्लेबाजों पर वो दबाव डाल के जाती है। पिछला मुकाबला जो रनचेज में पंजाब हारी, जहां शशांक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, आशुतोष ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, फिर भी वो मुकाबला 2 रन से पंजाब हार गया। अगर उस मुकाबले में शुरुआत अच्छी मिलती तो पंजाब उस मुकाबले को अपना कर सकती थी, लेकिन जॉनी बेयरस्टो लगातार फेल हो रहे हैं, शिखर धवन लगातार धीमी शुरुआत दे रहे हैं, उसके बाद प्रभसिमरन सिंह आ रहे हैं, उनके भी बल्ले से रन निकल ले रहे हैं, तो आपका जो टॉप ऑर्डर है पंजाब किंग्स का वो लगातार फेल हो रहा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स को मैच भी गंवाने पड़ रहे हैं। हालांकि आपका जो मिडिल ऑर्डर है, जहां पे सिकंदर रजा है, अगर लियम लिविंगस्टोन फिट होकर आते हैं तो वो भी हैं, उसके बाद सैम करन है, उसके बाद शशांक है, उसके बाद आशुतोष हैं, ये दोनों आपके लिए बेहतरीन फाइंड हैं, आपके लिए बेहतरीन तरीके से मैचेस फिनिश कर रहे हैं, फिर भी आपका टॉप ऑर्डर इनके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव दे रहा है, और यही एक कारण है जहां पर पंजाब रन चेज में गुफअप कर रही है, या अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो स्कोर बोर्ड पर उतने ज्यादा रन नहीं लगा पा रहे हैं जो आपके गेंदबाजों के लिए सफिशियंट हो। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में आपके पास ठीक ठाक विकल्प हैं, लेकिन कप्तानी शायद अभी भी पंजाब के लिए एक बड़ा मसला हो सकती है। शिखर धवन शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन में गेंदबाजी के परेशान रह रहे हैं। गेंदबाजी की अगर बात करें पंजाब किंग्स के, तो उनके पास गेंदबाज अच्छे हैं। एक तरफ आपके पास अगर पंजाब किंग्स की गेंदबाजी की बात करें तो कगिसो रबाडा हैं, अर्शदीप सिंह हैं, सैम करन, हर्षल पटेल, हरप्रीत ब्रार पिछले मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए थे। 40 से 45 रन से ज्यादा उन्होंने खर्च दिए थे अपने 4 ओवरों में। तो आज अगर पंजाब को अपने घर में मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो उनके गेंदबाजों को बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में भी कई सारे विकल्प हैं, आपके पास वैसे बल्लेबाज भी हैं जो थोड़ी बहुत पार्ट टाइम स्पिन कर सकते हैं। सिकंदर रजा आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर भी बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन स्पिनर के तौर पर भी आप उनसे गेंदबाजी करा सकते हैं। हरप्रीत ब्रार है, इनको अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। रबाडा, अर्शदीप, दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी ताकि सामने वाली टीम के ऊपर वो आप दबाव बना सकें, लेकिन ऐसा देखने को हमें नहीं मिला है। ये जो कुछ की फैक्टर्स हैं ये पंजाब की टीम से मिसिंग है, और शायद यही कारण है कि पंजाब को मुकाबले गंवाने भी पड़ रहे हैं। एक और हार पंजाब के लिए उनकी टॉप 4 वाली रेस को मुश्किल बना देगी। वहीं दूसरी ओर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अभी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। पिछला मुकाबला संजू सैमसन के ऊपर थोड़े से सवाल उठे थे, उनके कप्तानी पर सवाल उठे थे खासतौर से, क्योंकि आपके पास ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज का ओवर था, फिर भी आपने युवा गेंदबाज को आखिर में लगा दिया जब आपको डिफेंड करना था। वहां पर आपसे थोड़ी गलतियां हुई है, जहां पर गुजरात के राशिद खान ने वो मैच आपके हिस्से से निकाल लिया और गुजरात को जीत दिला दी, लेकिन आज संजू सैमसन को वो गलतियां नहीं दोहरानी पड़ेंगी। आपको अपनी गेंदबाजों को कैलकुलेशन को सही रखना पड़ेगा। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल को छोड़ बाकी सभी बल्लेबाज फॉर्म में है, लेकिन कंसिस्टेंसी जॉस बटलर को दिखानी पड़ेगी। शतक बनाया, अगले मुकाबले में फेल हुए, ऐसे नहीं चलेगा, आपको लगातार स्कोर करना पड़ेगा। संजू सैमसन अच्छा खेल रहे हैं, रियान पराग अच्छा खेल रहे हैं, शिमरन हेटमायर अच्छा खेल रहे हैं, तो आपके पास वो बल्लेबाजी में फायर पावर है। स्पिन डिपार्टमेंट भी आपके पास अनुभवी स्पिन डिपार्टमेंट है, यूजी चहल है, रवि अश्विन है, तो इनसे बेहतरीन स्पिनर्स तो आपके पास हो नहीं सकते। तेज गेंदबाजी आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, आपके पास और भी जितने भी विकल्प हैं वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी जो संजू सैमसन पिछले मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई थी उनसे कप्तानी के मामले में, वहां संजू सैमसन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और बल्लेबाजी तो वो खैर अच्छी कर ही रहे हैं। हालांकि संजू सैमसन बेहतरीन कप्तानों में से एक माने जाते हैं आईपीएल में, लेकिन पिछला मुकाबला उस स्तर का नहीं रहा था, इसलिए सवाल खड़े होने लगे थे। तो आपके हिसाब से आज कौन सी टीम बाजी मारेगी, पंजाब अपने होम ग्राउंड में जीत दर्ज करेगी या राजस्थान पंजाब को उनके होम ग्राउंड में हरा देगी, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, स्पोर्ट्स और आईपीएल से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।